फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज माघ मेले के सबसे बड़े स्नान पर पौष पूर्णिमा पर जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना संगम क्षेत्र में चालू हो गया है, कड़कड़ाती ठंड में घने कोहरे में भी लोग संगम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और यहां पर पहुंच कर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बता दें, आज ब्रह्म मुहूर्त से जहाँ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और आस्था की डुबकी लगाने के बाद यहाँ पर दान पुण्य कर रहे हैं। वहीं आज का दिन खास है क्योंकि आज के दिन यहाँ गंगा में डुबकी लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल बनी रहती है। ऐसे में 2 लाख श्रद्धालुओं ने सुबह तक यहाँ पर डुबकी लगाई। और क्या कुछ कहना है यहाँ पर आए श्रद्धालुओं का और माघ मेला अधिकारी का, आइए दिखाते हैं। प्रारंभ हो जाता है और आज गुरु पक्ष होने की वजह से और पूर्णिमा का महत्व बढ़ गया और गंगा जी के वर्णन के लिए तो गंगा महात्म्य आया। गंगा गंगा च यो ब्रूयात योजना नाम शतान्यपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा जी का नाम लेकर के अगर 1000 कोस दूर भी कोई स्नान करता है तो उसे भौतिक दुखों से निवृत्ति मिलती है और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हो। चलिए, साल नहीं पूरा जीवन धन्य हो जाता है क्योंकि हमने पूर्व में भी कहा है कि आज गुरु पक्ष पूर्णिमा है और आज बयानी माधव जी नगर शोभा यात्रा भी निकलेगी यही जिला दमोह से। पंडित रमेश प्रसाद कुरु स्नान प्रारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा के दिन माघ मेला में आने वाले कल्पवासियों का आगमन हो चुका है। सभी कल्पवासी सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 में प्रयागवाल, आचारवाड़ा, दंडीवाड़ा, खाक चौक या अन्य संस्थाओं में रुके हुए हैं। ठंडी को देखते हुए सभी प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था कराई गई है और साथ ही साथ उन्हें प्रयागवाल और कल्पवासी जहां भी ठहरे हुए हैं उनको आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। झूसी साइड, आरएल साइड और जिद्दारागंज साइड में लगभग अब तक 2 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। जी, पौष पूर्णिमा का पर्व है और आज से माघ मास प्रारंभ हुआ है। कल्पवासी विगत 2 दिन से लगातार माघ मेले क्षेत्र में आ रहे थे और अपने कैंप और शिविरों में व्यवस्थापित हो रहे थे। प्रातःकाल से कल्पवासी और अन्य स्नानार्थी संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर प्रातःकाल से आप देख रहे हैं कि शीतलहर और घना कोहरा होने के बावजूद आकर लगातार स्नान कर रहे हैं। एक व्यापक सुरक्षा योजना के तहत सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। माघ मेले क्षेत्र में सुगम आवागमन देने के उद्देश्य से चाहे वो अयोध्या से साधु संत आ रहे हों या अन्य तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हों संगम राज में, तो उसको सुगम आवागमन देने के लिए हम लोगों ने माघ मेले क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। जल में सुरक्षित स्नान देने के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग, जाल का व्यवस्थापन संगम घाट पर और सभी अन्य स्नान घाटों पर सुनिश्चित किया गया है। उसके साथ साथ जाल और डीप वाटर बैरिकेटिंग के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान जो कुशल तैराक होते हैं उनका व्यवस्थापन किया गया है। जल पुलिस के लोग लगाए गए हैं, प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ जल में एक पुलिस फ्लोटिंग पुलिस चौकी की भी स्थापना की गई है जिसमें राजपत्रित स्तर के अधिकारी लगातार मौजूद होकर नजर रख रहे हैं। SDRF और NDRF की टीम भी रेस्क्यू पर्पज से जल में मौजूद है। इस माघ मेले क्षेत्र में CCTV कैमरों के माध्यम से भी लगातार हम लोग नज़र रख रहे हैं और आवश्यकता अनुसार ड्रोन का प्रयोग भी कर रहे हैं। सर, अब तक लगभग कितने श्रद्धालु? एक मोटे अनुमान के तौर पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम घाट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर चुके हैं। संगम नगरी प्रयागराज जहां सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है, तो आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंचे सूबे के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका सर्किट हाउस में स्वागत किया और ऐसे में उनका स्वागत होने के बाद वे मीडिया से बात भी किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव है और साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने एक गाना भी उसका उदाहरण दिया है। और साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव 2 जगह नहीं 80 जगह से भी चुनाव लड़ लें तब भी नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में उन्होंने अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। एक ममता बनर्जी के साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी मना कर दिया है गठबंधन से, तो क्या लगता है कि ये पहले ही सुनता बिखर जाएगा? देखिए, एक गीत में शायद मोहम्मद रफ़ी जी का है, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा वाली स्थिति में ये इंडी गठबंधन
जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और स्वार्थी गठबंधन था, और जो भी बयान आ रहे हैं उन बयानों के बाद भी मैं यही कहना चाहूँगा, इस देश में लोगों ने मन बना लिया है कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाना है, इसलिए ये गठबंधन करके लड़ेंगे तब भी कमल खिलेगा, अलग अलग लड़ेंगे तब भी कमल खिलेगा, बाकी स्वार्थियों का गठबंधन है न टिकाऊ है और न उनके पास कोई विजन है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में भारत की पहचान बढ़ रही है। आखिर अखिलेश यादव दो जगह से चुनाव लड़ने की क्यों बात कर रहे हैं, कन्नौज और आजमगढ़? दो जगह से नहीं, 80 सीटों में लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं जीतेंगे नहीं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज गौस हॉस्पिटल में झंडारोहण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एक्स CMO मुरारी वर्मा शामिल हुए, जहां उन्होंने ध्वजारोहण किया और झंडा फहराकर लोगों को शांति का पैगाम दिया और लोगों से कहा कि आपस में भाईचारा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आज के दिन ही संविधान लागू हुआ था और बाबा साहब के इस संविधान की हमें रक्षा करनी चाहिए। और साथ ही ऐसे में यहाँ केक काट कर यहाँ जश्न मनाया गया और एक दूसरे को केक खिलाया गया और राष्ट्रगीत का भी आयोजन हुआ। वहीं गौस हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर फिरोज ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है और डॉक्टर मुरारी वर्मा ने, आइए दिखाते हैं। आज ये हमारा 75वां गणतंत्र दिवस था जिसको हम लोगों ने विधिवत तरीके से मनाया है, झंडारोहण किया है। आज के दिन संविधान को भारतवर्ष में लागू किया गया था, आदमी को अपना अधिकार और अपने कर्तव्य बताए गए थे, जिसको जो बाबा साहब द्वारा दिए गए थे उसको विधिवत लागू करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे शपथ ली, झंडारोहण किया और सबके समस्त भारतवासियों के लिए आशीर्वाद शुभकामनाएं व्यक्त किया गया। के जो चीफ गेस्ट है रिस्पेक्टेड सर हमारे डॉक्टर मुरारी वर्मा सर, जिन्हों के द्वारा आज हमारे फ्लैग होस्टिंग किया गया हमारे यहाँ। आज हम 75वां वर्षगांठ 26 जनवरी मना रहे हैं, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था जो भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा दिया गया था, और जिससे हम स्वतंत्र रूप से इस देश में तमाम जातियों, तमाम मजहब के लोगों के साथ अपना सर ऊंचा करके जीते हैं। इसके लिए हम बाबा साहब को थैंक यू कहेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, और तमाम हमारे आए हुए तमाम गेस्टों को शुक्रिया अदा करेंगे, और सबसे ज़्यादा तो हमारे जो चीफ गेस्ट हैं सर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। संगम नगरी प्रयागराज में आज 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नाज हॉस्पिटल में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, स्टाफ हॉस्पिटल के और साथ ही मरीज भी शामिल हुए हैं। बता दें ध्वजारोहण कार्यक्रम भव्य तरीके से नाज हॉस्पिटल में किया गया, जहां पर ध्वजारोहण के साथ साथ राष्ट्रगीत का भी आयोजन हुआ। साथ ही हॉस्पिटल के द्वारा लोगों को रैली निकालकर जागरूक भी किया गया कि अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने देश के प्रति कैसे सजग रहें। और इस मौके पर क्या कुछ कहना था डॉक्टर नास फातिमा का इस कार्यक्रम को लेकर, आइए दिखाते हैं। 26 जनवरी की शुरुआत तो हमारी सुबह सुबह सबसे पहले डिलीवरी से हुई थी, तो सबसे पहले हमने डिलीवरी कराया, फिर उसके बाद हम लोग झंडा फहराया सारे स्टाफ के साथ, और भी जो हमारे पेशेंट उन लोगों के साथ हम लोगों ने झंडा फहराया। झंडा फहराने के बाद एक रैली निकाला, उसमें जो भी हम लोगों को जैसे कुछ बच्चे मिले उनको हम लोगों ने झंडा वगैरह दिया, मिठाइयाँ वगैरह खिलाया और खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस तरीके से आसपास के एरिया में हम लोग गए थे। और ये देखिए हमारा ये पूरा त्यौहार जो होता है ये सबके लिए होता है, तो हमारे हिसाब से इस त्यौहार को सबको मिल के मनाना चाहिए और एकता का प्रतीक होना चाहिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ओवैसी की चुप्पी को लेकर जहां लोग चर्चा का विषय बना था, तो ऐसे में अब राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने ओवैसी पर निशाना साधा, कहा कि ओवैसी अब अपनी छवि सुधारने में लगे क्योंकि विनम्रता फैलाकर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये ओवैसी को समझ में आ गया, अगर अपने आप को बड़ा लीडर मानते हैं तो वो पश्चिम की किसी सीट से लड़ लें, समझ में आ जाएगा। और क्या कुछ कहा है निशाना साधते हुए, आइए दिखाते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में धीरे धीरे ओवैसी साहब का वर्चस्व ख़त्म हो गया, चूँकि ओवैसी साहब दक्षिण भारत जो आते हैं दक्षिण भारत से आते हैं, और इस बार अपने ही राज्य में
चुनाव हारने का उनको बड़ा सदमा ये लगा कि जो 40 मुस्लिम बाहुल सीटें थी वो केसीआर को तीसरी बार मुख्यमंत्री और ट्रांसफ़र का ठेका लिए थे, पूरा घूम घूम उनके लिए प्रचार कर रहे थे। कोई और मुस्लिम लीडरशिप डेवलप ना हो तो अजरुद्दीन को हराने के लिए जुबली हिल से अपने एक पार्टी से लड़ा के वोट काट के उन्होंने हरवाया। तो ओवैसी साहब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम पर इसलिए बच रहे हैं कि अब अपनी उस छवि को सुधारना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में चाहे कोई भी रहा हो किसी भी पार्टी का, कि आप एक कास्ट को या एक कम्युनिटी को टारगेट करके, देखिए बहुजन ने भी अपना नारा बदला, तिरक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इनका नारा शुरू होता था। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी भी भूरा बाल कहते थे, भूरा बाल का मतलब भूहार राजपूत ब्राह्मण लाला, इनको मारो जूते, ये भी अपनी स्पीच की शुरुआत और स्वभाव इन्होंने भी बदला। सोने लाल ने भी अपना जो स्पीच शुरू होती थी अपर कास्ट जो हिंदू में थे उनको भी गाली दे के इस पार्टी का, तो देख लिया कि जब हम समाज में इस तरह वैमनस्यता फैला के कोई पार्टी बढ़ नहीं सकती। अब ओवैसी साहब को समझ में आ गया है, अगर ओवैसी साहब को इतनी ही गलतफहमी है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ दलितों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, तो सीमांचल की मुस्लिम बाहुल सीटें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी मुस्लिम बाहुल सीट से खुद लड़ जाए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लड़ा दें, हैसियत पता लग जाएगी ओवैसी साहब को। संगम नगरी प्रयागराज का मौसम काफ़ी भयानक बना हुआ है। 3 दिनों से रात में कोहरे की चादर फैली हुई है और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास टिका हुआ है, तो रात को भयानक सर्द मौसम के साथ दिन में भी लोगों को गलन और शीतलहर व कोहरे से राहत नहीं मिल रही है। यूपी के प्रयागराज सहित आसपास के जिलों में इस बार भयानक ठंड पड़ रही है और रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है, और क्या कुछ कहना है लोगों का आइए दिखाते हैं। यहाँ तो बहुत समस्या है भाई, सुबह उठना पड़ता है और 3 बजे से 10 बजे तक तो कोहरा ही कोहरा रहता है। गाड़ी वाली चलाने बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ठंडी है भाई। क्या नाम है आपका? यशवंत सोनकर। समस्या तो बहुत बेकार चल रही है और ठंडी के मारे जान चली जा रही है, कूड़ा बिन बिन के हम जला रहे हैं, लकड़ी सड़क में नहीं गिर रही नगर पालिका। कोहरा तो तापमान बहुत नीचे आ गया है, जीरो पॉइंट है। क्या नाम है आपका? मोतीलाल केसरवानी। ठीक, घर से निकलने कोहरा कितना है? ठंडी तो हद से ज़्यादा पड़ रही है, कोहरा तो ऐसा है कि चलने में दिक्कत है, हाथ पैर की देखो उंगलियाँ पूरी सूज गई है, काम नहीं होता, हाथ मोड़ता नहीं है। कोहरे की वजह से पैदल आप जा रहे हैं? हाँ, इस समय पैदल जा रहे हैं तो थोड़ी गर्माहट, अभी जब गाड़ी में बैठेंगे तो ठंड लगती है। परेशानी तो हद से ज़्यादा है। क्या नाम है? हमारा नाम धीरज केसरवानी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।